नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, कुछ दिनों से YouTube पर वीडियो अपलोड करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है, अपलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, या ऑप्शन आ रहा है तो जैसे ही क्लिक करते तो YouTube स्टूडियो में लेके चला जाता, जहाँ पर आप पुराने वीडियो जो आपने अपलोड कर रखे वो दिखाई देते और कोई ऑप्शन अपलोड का नहीं आता है। ये परेशानी मुझे भी आ रही थी, तो मैंने वो कैसे ठीक किए वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। ये देखेंगे मेरा ऑप्शन ही नहीं आ रहा था वीडियो अपलोड करने में, तो इसको मैंने कैसे ठीक किया। तो इसके लिए आप क्रोम ब्राउज़र में जाएंगे और वहाँ पर टाइप करेंगे यूट्यूब या यूट्यूब अकाउंट या youtube.com। आप कुछ भी सर्च कर सकते, तो आप ये सर्च कर लेंगे। सर्च करने के बाद तो अगला पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको अकाउंट लिखाई दिखाई दे रहा है। नीचे अकाउंट दिखाई दे रहा है लिखा हुआ। इस अकाउंट पर क्लिक कर देंगे, ब्राउज़र में चले जाएंगे। ब्राउज़र में जाने के बाद इधर आपका चैनल ही ओपन हो गया है, तो इधर आपका वीडियो वाला जो ऑप्शन है, आइकॉन है, ऊपर दिखने लगा है। इधर डेस्कटॉप साइट को ओपन कर लेंगे, तो मेरा पहले ये नहीं दिख रहा था ऑप्शन, वो अब मेरा इधर से दिखने लगा है। लेकिन अब भी अगर इसमें जाओगे, जैसे क्लिक करोगे वीडियो पर अपलोड के लिए, तो ये यूट्यूब स्टूडियो में लेके चला जाएगा, जहाँ आपको पुराने वीडियो दिखाई देंगे। किसी किसी के में ये दिक्कत आ रही है कि जैसे ही अपलोड पर क्लिक करते हैं वो YouTube स्टूडियो में लेके चला जाता है, जहाँ पर पुराने वीडियो अपलोड दिखाई देते हैं। जैसे अपलोड करेंगे, ये देखो, ये मेरे पुराने जितने भी वीडियो हैं अपलोड किए हुए वहाँ दिखाई दे रहे हैं। तो इसको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए आपको क्या करना है, तो इधर नीचे देखेंगे, बीच में ये प्रोफाइल का निशान दिखाई दे रहा है। तो प्रोफाइल जो फोटो आपका दिखाई दे रहा है, उस पर तीन ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो उसमें सबसे ऊपर वाला ऑप्शन चैनल स्टेटस, जो आपको चैनल स्टेटस दिखाई दे रहा होगा, उस चैनल स्टेटस पे क्लिक करेंगे। चैनल स्टेटस पे क्लिक करने के बाद अगला पेज ओपन हो जाएगा, जिसे YouTube स्टूडियो में नहीं लेके जाएगा, ये आपको अपने चैनल में लेके चला जाएगा। ये चैनल में लेके आ गया आपको। इधर आपको ये कुछ सेटिंग करने के लिए बोल रहा है, तो अब सेटिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी सेटिंग हो रखी है, तो इस ऑप्शन को क्लोज कर देंगे। अब इधर देखेंगे आपका क्रिएट वीडियो, अपलोड वीडियो, ये सारे ऑप्शन दिखाने लगा, जो कि पहले नहीं दिखा रहे थे। तो अब इधर से आपका वीडियो अब अपलोड हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, ये क्रिएट वीडियो या अपलोड वीडियो किसी पर भी क्लिक कर देंगे, तो इधर आपका अपलोड वीडियो होने लगेगा। मैं इधर अपलोड वीडियो पर क्लिक कर देता हूँ, अगले पेज में लेके चला जाएगा। यहाँ पर सिलेक्ट फाइल, ये सिलेक्ट फाइल का ऑप्शन आने लगा, जो पहले नहीं आ रहा था। पहले YouTube स्टूडियो में लेके चला जाता था, जहाँ पर कोई ऑप्शन ही नहीं था वीडियो अपलोड करने का। ये काफ़ी दिक्कत आ रही थी, मुझे भी बहुत परेशानी आई, बड़ी मुश्किल से फिर मैंने इसको ठीक किया। तो इस तरीके से आप अपलोड वीडियो पर जाएंगे। अपलोड वीडियो पे जाने के बाद इधर सिलेक्ट फाइल, तो आप फाइल सिलेक्ट कर लेंगे, जो वीडियो आपने बना के रखा हुआ है उसको। मैं इधर फाइल सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो वीडियो मैंने पहले से बना रखा है, जो मुझे अपलोड करना है वो वीडियो सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं इधर वीडियो एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो मैंने ये वीडियो सिलेक्ट कर लिया है, वो वीडियो अपलोड हो गया है। अब इधर आप जाके वही आप थंबनेल लगा सकते हैं, टाइटल लिख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, इस तरीके से आप वीडियो अपलोड कर सकते हैं। आगे का प्रोसेस सेम है। तो आशा करता हूँ दोस्तों, वीडियो अपलोड करने में जो आपको परेशानी आ रही होगी वो सॉल्व हो गई होगी। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।